हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग। टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, बहुत ही शोर मचा हुआ है यूट्यूब पे कि डीज़ल कार ना परचेज करें, कोई भी डीज़ल कार मत परचेज करें इस साल या आने वाले टाइम में। लेकिन मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं हमेशा से कहते ही आ रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको या एंड स्क्रीन में भी आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने कहा है कि डीजल कार्स आप परचेज कर सकते हो बिना किसी फिकर। सिर्फ के सिर्फ मारुति ने ही ऐसा हवा बनाया है या ऐसे बात फैलाई है मार्केट में कि हम आगे से डीजल इंजन्स जो हैं वो बंद करने जा रहे हैं या छोटे डीजल इंजन्स बंद करने जा रहे हैं। उसके कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं। उसमें मेन रीज़न यही है कि मारुति के पास BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन्स है ही नहीं, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है हुंडई की नई नवेली लॉन्च्ड वेन्यू के बारे में बात करना, जिसको मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ मारुति सुजुकी की ब्रेजा VDI ऑप्शन के साथ, VDI वेरिएंट के साथ, और इधर वेन्यू होगी S वेरिएंट के साथ। ये मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ब्रेजा सिर्फ डीजल में फ़िलहाल मिल रही है और S वेरिएंट जो कि इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं ब्रेजा के VDI वेरिएंट के, तो दोनों की कीमतें ऑलमोस्ट लगभग एक ही जैसी हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है और आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी ब्रेजा आपको VDI वेरिएंट मिल जाता है दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 8,20,000 के आसपास, और यही अगर हम वेन्यू की बात करें तो आपको S वेरिएंट मिलेगा 8,45,000 में। मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 25,000 का डिफरेंस, जो वेन्यू है 25,000 महंगी है। तो यहाँ पे आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी और कौन सी गाड़ी बेहतर है, तो बात करें सबसे पहले दोनों के इंजन्स। तो ब्रेजा में आपको मिलता है 1.3 लीटर फियर्ड सोस्ट इंजन, मल्टी जेट इंजन, और यहीं वेन्यू के पास आपके पास 1.4 लीटर CRDI इंजन, जो कि ह्यूंडई का अपना बनाया हुआ इंजन है। दोनों ही गाड़ियां 90 PS के सेगमेंट में आ जाती हैं, 89 PS दोनों की पावर इक्विवेलेंट है, लेकिन ब्रेजा आपको देती है 200 नैनोमीटर का टॉर्क और वेन्यू आपको देती है 220 नैनोमीटर का टॉर्क, जो कि थोड़ा सा यहां पे मार्जिनल डिफरेंस है। दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मैं अगर वेन्यू के फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं 15 इंच जो नॉर्मल रिम्स होते हैं, 15 इंच टायर्स मिल जाते हैं, आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं, लेकिन टर्न इंडिकेटर्स आपको उस पर नहीं मिलेंगे। और अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, चारों की चारों विंडोज़ आपको पावर मिल जाती हैं, स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको एक ऑडियो सिस्टम, टू डिन ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं विद टू ट्वीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ह्यूंडई का जो 1.4 लीटर इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड डीजल इंजन है, जो चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है। और बात करूँ इंटीरियर्स की, प्लास्टिक क्वालिटी की, वेन्यू के प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो ब्रेजा से काफ़ी हद तक बेहतर है। जैसे ही आप S वेरिएंट वेन्यू के अंदर एंटर करते हो तो आपको डोर नॉब से ही पता चल जाएगा, जो इंटरनल जो अंदर की डोर नॉब्स हैं वहाँ पर सिल्वर कोटिंग मिल जाएगी आपको, आपको प्लास्टिक क्वालिटी बेटर मिलेगी, डैशबोर्ड पर आपको अच्छा फील आएगा, जो कि ब्रेजा के आप ZDI वेरिएंट में भी बैठे तो आपको डैशबोर्ड पे वैसा फील नहीं आता। तो बात करूं ब्रेजा की, तो ब्रेजा में आपको पहले ही बात कर चुका हूं, मारुति की प्लास्टिक क्वालिटी मैं ज़्यादा बेहतर नहीं कहता, और स्टीयरिंग पे आपको माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, टू डिन आपको स्टीरियो सिस्टम मिल जाएगा। अगर सीट्स की बात करूँ तो ब्रेजा की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सिमिलरली वेन्यू की सीट्स भी काफ़ी ही ज़्यादा आरामदायक सीट्स हैं। ब्रेजा में आपको रियर AC वेंट या एयर जो ब्लोअर है वो नहीं मिलता, वेन्यू में आपको रियर पैसेंजर्स के लिए भी एक एयर वेंट मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों की बैक सीट 60-40 स्प्लिट में नहीं आती, हायर एंड वेरियंट्स में आती हैं,
लेकिन यहाँ पे दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे फुली स्प्लिट आपको बेंच टाइप एक सीट मिल जाती है। बूट स्पेस के मामले में दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। लुक्स के मामले में अगर देखा जाए तो ब्रेजा की लुक्स भी काफ़ी पसंद की जाती हैं, लेकिन वेन्यू एक ज़्यादा इनोवेटिव और एक नए डिज़ाइन के साथ आती है। मारुति की जो क्वालिटी है, जो आउटर शेल क्वालिटी है, वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ वेन्यू में काफ़ी बेहतर आउटर बिल्ड क्वालिटी है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो 60% इसमें जो आयरन लगा हुआ है, जो स्टील यूज़ किया है, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है। प्रीवियस गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको वेन्यू में मिलेंगी। डायमेंशन के मामले में दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट इक्वल हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं सीधा आपको एक डिसीजन पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ रहता है 20 से 25 हज़ार रुपये का। तो इस प्राइस डिफरेंस में आपको ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है वो वेन्यू दिख रही है मुझे तो, क्योंकि एक नया डिज़ाइन है, बेहतर इंजन है, ज़्यादा थोड़ी पावर प्रोवाइड करेगा आपको। कुछ फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जैसे कि स्टीयरिंग पे आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो एक बेहतर फीचर है। आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है, जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं फिक्स करवा सकते। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक वैल्यू फॉर मनी जो पैकेज है वो वेन्यू निकल के आएगा। नया लुक है, नई गाड़ी है, तो मेरे ख्याल से वेन्यू यहाँ पे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा ब्रेजा के मुकाबले। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।